फाइनली बैठ गए, सेटल हो गए सब। ये देखो सब बैठ गए। बैठने के टाइम थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको मच्छी फ्राई, रोटी, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, वेलकम बैक। आज एक नया दिन और नई जगह की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी आज हम लोग जा रहे हैं ओगेनेकल फॉल्स, जो कि तमिलनाडु में आता है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लगभग 112 किलोमीटर है। एक शॉर्टकट रास्ता है डेंकनकोटे होते हुए, वो रोड हम लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग थोड़ा लॉन्ग रूट होते हुए जो कृष्णगिरी धर्मपुरी वो वाला रूट से जा रहे हैं। थोड़ा लंबा पड़ेगा, 175 किलोमीटर होगा, लेकिन जो टाइम है वो सेम लगेगा। तो अभी हम लोग सोलगिरी पहुंचने ही वाले हैं और सोलगिरी में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेंगे, चाय वाय घर से बना के लाए हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जो आगे अपडेट होगा मैं आपको देते जाऊंगा। ओके, थैंक यू, कीप ऑन अपडेटिंग अस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अभी हम लोग आ चुके हैं चाय पी के वापस। रश्मि अभी तक चाय पी रही है और मेरे साथ हैं रश्मि के जीजा जी राम भाई ना। राम भाई ना थोड़ा हेलो बोल दो सबको। हेलो, हाय। और ये हमारे साथ इस बार घूमने जा रहे हैं ओगेनेकल फॉल्स। और पीछे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे रश्मि की दीदी, बड़ी दीदी और रश्मि पीकू, उसने शायद एक छोटा सा क्लिप बनाया है, उसको भी ऐड कर देंगे। ये मेरी दीदी है और हम लोग चाय पी रहे हैं रास्ते पे। भी सुनील और भैया गए हैं वॉशरूम। हाय पिकू, वेयर इज पिकू, कम हियर। घर से चाय बना के लाए थे हम लोग। और अभी हम लोग सोलगिरी के पास थोड़ा सा एक ब्रेक लिए हुए हैं, टी ब्रेक, और चाय वाय पी के फिर अभी निकलेंगे ओगेनेकल की तरफ। तो चलिए चलते हैं, लंबा ट्रिप है और 2 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और बाकी का अपडेट मैं आपको आगे देते जाता हूँ। जस्ट धर्मपुरी क्रॉस किए और थोड़ा सा आगे जाके हमें राइट लेना है, लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद राइट ले लेंगे और हम लोग NH44 छोड़ के ओगेनेकल का जो रोड है सर्विस रोड लेके हुए, आई थिंक वो स्टेट हाईवे है, उसका डिटेल मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, तो वो ले लेंगे। और वहाँ से लगभग और 44 किलोमीटर रहेगा हमें स्टेट हाईवे में और अंदर स्टेट रोड पर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे, जो जो रोड का हालत होगा वो आपको मैं अपडेट आगे देते जाऊंगा। हमने ये रोड इसलिए लिया, थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, 175 किलोमीटर लगा लगभग। ये रोड इसलिए लिया ताकि एक तो हाईवे है, अंदर के रोड से 112 किलोमीटर हो रहा था, कम होता, लेकिन टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने सोचा कि चलो एक अच्छे रोड पर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जो जो आगे अपडेट होगा मैं आपको अपडेट देते जाता हूँ। यहाँ से सर्विस रोड देखिए आ ही गया, बात करते करते यही सर्विस रोड हमें लेना है और NH44 अभी हम लोग छोड़ देंगे।
फिर ये जो फ्लाईओवर है उससे अंडरपास से राइट ले लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश होके छूटा है, यहाँ पे पानी पूरा अभी भी है रोड पे। आज थोड़ा मौसम अच्छा भी है, बादल है ऊपर, खाली हो गए नगर में बारिश ना होने तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो ये रोड अभी कंटिन्यूस हमें लेके जाएगा सीधा हो गए निकल फॉल के पास, तो चलिए चलते हैं। स्टेट हाईवे 60 पे जा रहे हैं और ये कैसा सिंगल रोड है तो आप स्पीड तो ज़्यादा जा नहीं सकते, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। नहीं तो आई थिंक हम लोग आराम से 40 किलोमीटर अगर होता तो 15-20 मिनट में कवर कर लेते। A few moments later. लगभग अभी पहुंच ही गए और दिखा रहा है कितना 600 मीटर आई थिंक, यहीं से लेफ्ट लेना पड़ेगा और 600 मीटर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, जाके गाड़ी कहीं पे पहले पार्क करेंगे, उसके बाद बाकी डिटेल मैं शेयर करता हूं आपके साथ। इट इज व्हीकल पार्किंग लेफ्ट रे से लेफ्ट रे थला चलो यूटर्न न्यू मार्केट पूरा नहीं है। अरे लुंगी डांग कर रहा मेन जिनसे ना ये जो गोटे यूनिफॉर्म अच्छी बोले कहाँ को गोटे यार सब सेम कलर पिंचों ₹50 का स्लिप लिया पार्किंग का और उसके बाद वो होटल के अंदर से होते हुए अभी हम लोग आए और आई थिंक पीछे रह गया पार्किंग। हाँ इधर है ये रहा पार्किंग, यूथ हॉस्टल का पार्किंग में यूज करना है। ब्लू कलर में है टी शर्ट, जो ब्लू कलर के शर्ट और लुंगी पहने हुए मुझे लग रहा है ये लोग एजेंट हैं यहाँ पे
और जो कि आपका कोराकल राइड वाइड भी कराते हैं, क्योंकि ये जो बंदा मुझे गाइड कर रहा है वो साथ में मेरे साथ वो पार्किंग से आ रहा है जहाँ से मुझे गाइड किया कि यहाँ पे पार्क करना है वो करना है। और आई थिंक अभी गाड़ी रखने के बाद पता चलेगा कि क्या बोल रहा है वो। तो चलिए जो आगे होता है मैं आपको अपडेट देते जाता हूँ। तो गाड़ी पार्क कर ली, अभी धूप निकल आया है, पार्किंग अंदर मिल गया, वहाँ पे पार्किंग करके अभी चल चल के जा रहे हैं सब। और ये देखिए सब जा रहे हैं अभी चल के पार्किंग से निकल के, ये देखिए रश्मि पीछे। तो चलिए चलते हैं और कोराकल राइड का डिटेल मैं आपको पहुँचने के बाद आगे देता हूँ, क्या रेट्स है क्या है वो सारा डिटेल मैं आपको पहुँचने के बाद देता हूँ। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं ओगेनेकल फॉल्स की तरफ। तो ये इनका टिकट काउंटर है और यहाँ पे रेट्स भी लगा हुआ है, कोराकल का प्राइस गवर्नमेंट का प्राइस आप देख लीजिए। तो चलिए टिकट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बाकी डिटेल आगे। ये अभी अपना बोट अभी आ गया, ये जो भैया है ये लेके जा रहे हैं हमें, तो अभी उतरेगा इसी बोट में हम लोग जाएंगे कोराकल में। ये हमने अपना लाइफ जैकेट पहन लिया है और ऐसे नीचे देखिए बाकी लोग भी जा रहे हैं। देखिए मौसम अच्छा है, लकीली धूप नहीं हो रहा है ज़्यादा। बाकी जो बोट वाला है वो कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है, देखते हैं कितना एक्स्ट्रा बोल रहा है। अभी तो शायद 1000 रुपये एक्स्ट्रा बोल रहा था, जो कि गवर्नमेंट का रेट 1500 रुपये लिया उसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं इस पर। हाँ फाइनली बैठ गए, सेटल हो गए सब, ये देखो सब बैठ गए। बैठने के टाइम थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि इनबैलेंस हो रहा था, फिर फाइनली सब बैठ गए। सबको सलाह वही है कि आप लाइफ जैकेट पहन के ही जाए, पानी कम है लेकिन फिर भी लाइफ जैकेट लेके ही जाए, सेफ रहेगा सबके लिए। और चलिए चलते हैं। ये फर्स्ट टाइम है सर बरोदा? हाँ ये तो फर्स्ट टाइम है। ये देखो यहाँ पे आगे मालिश भी हो रहा है, अगर आपको मालिश कराना है तो आप मालिश भी करा सकते हो मस्त ऐसे तेल की मालिश। और अभी अपना जो कोराकल बोट का राइड वो रहा अपना बोट, और वहाँ पे हमें ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद अभी हम लोग दूसरे साइड जा रहे हैं, वो वहाँ से हमें फिर पिक करेगा। ये देखिए ये अपना बोट जा रहा है। और यहाँ पे आपको मच्छी फ्राई रोटी ये सब यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए। तो अभी हम लोग दूसरे साइड पे आ गए, वो साइड से थोड़ा सा राइड हुआ, उसके बाद चल के अभी दूसरे साइड पे आ गए जहाँ पे प्रॉपर जो वाटरफॉल होता है उस साइड पे आ गए। अभी यहाँ पे जा रहे हैं अपने लोकेशन पे, बोट अपना आ गया है, वो देखिए राम भाई वहाँ पे ऑलरेडी हाथ हिला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं।
तो ऐसे बोट लाके यहाँ पे डाला जाता है और फिर आपने यहाँ पे लाके ऐसे बिठाया जाता है और फिर ये देखते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं वो वाटरफॉल जहाँ पे गिर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंस की वजह से पानी में गीला हो के और ये राउंड वाला ये चक्री घुमाते हैं। A few moments later. तो अभी ड्रॉप पॉइंट के पास हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और ये पिकअप पॉइंट था, तो यहाँ पे पिकअप हुआ था और यहाँ पे अभी ड्रॉप होगा। तो चलिए चलते हैं, अभी आराम से घूम के आ गए। ये इनका यहाँ पे एक छोटा सा लोकल मार्केट है और यहाँ पे आपको फिश फिश फ्राई भी मिल जाएगा और बाकी कपड़े उपड़े जूस वूस पान वान चाय कॉफ़ी ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बाइक पार्किंग भी है और जेंट्स टॉयलेट उस साइड पे है। और अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, भैया हाय बोल रहे हैं और इधर से अभी हम लोग निकलेंगे, पार्किंग के पास जाएंगे और पार्किंग के पास जाके वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके कुछ खा लेते हैं। सडनली धूप बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए बहुत जल्दी टायर्ड लगने लगा। देखिए रश्मि ने छाता निकाल लिया है और नारियल पानी ये सब गोली सोड़ा वोड़ा सब यहाँ पे मिल जा रहा है। तो
होटल तमिलनाडु है यहाँ पे, होटल तमिलनाडु में हम लोग जाएंगे, कुछ लंच करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे क्योंकि भूख तो बड़ा ज़ोर से लग गया है। गन्ने का जूस भी इधर है और यहाँ पे TTDC का पानी का बोतल, जो गवर्नमेंट का दुकान है वो यहाँ पे है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी ये तो मैंने दिखाया था, गाड़ी यहाँ पे पार्क है, गाड़ी यहीं पे पार्क हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग लंच करने आए हैं, जो कि होटल तमिलनाडु का ही है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का ही रेस्टोरेंट है। देखो अभी मछली फ्राई और चिकन 65 आ गया है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मंगाया था और सब अभी मील के साथ बैठ गए हैं, भूख जोरों से लगा है, जो भी है चलो खाते हैं फटाफट। ना अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा, पूरा सिंपल है ना खाना? पूरा सिंपल, पूरा सिंपल खाना है। और टिकट भी बोलो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खाना है जैसे। हाँ चलो ठीक है, पीकू तो बिजी है, रश्मि खिलाने में बिजी है उसको, चलो फेवरेट है। हाँ तो हम लोग तो खाते ही रहते हैं, ये चीज़ तो देखते ही हैं, तो यहीं पे एक ही ऑप्शन है तो इसी को ही खाना पड़ेगा। तो चलिए खाने के बाद मैं गाड़ी में मिलता हूँ आपको, बाकी डिटेल मैं वहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। A few moments later.